सर्दियां शुरू होते ही गाजर के हलवे की बात होने लगती है। तो क्यों गाजर का हलवा ही बनाया जाए? माना कि वो काफी पॉपुलर, काफी पुरानी रेसिपी है हमारे किचन की, लेकिन कुछ हटके करते हैं, कुछ अलग सा बनाते हैं। तो मैंने गाजर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के और ऐसे ही खुले पानी में मैंने रख के उसे उबाल लिया है। ये देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं शालिनी, आप देख रहे हैं ग्लोबल देसी रसोई विद शालिनी। ये देखिए, गाजर उबल चुका है तो मैंने उसे छलनी में रख दिया, उसके सारे पानी को निकाल दिया अलग, और इसको ठंडा होने देते हैं थोड़ी देर के लिए, और फिर बनाते हैं इससे कुछ अलग सा, कुछ यूनिक सी रेसिपी। और अभी क्या करना है, इसे ग्राइंडर जार में डाल के इसे पीस लेते हैं, हम इसका पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो बैकग्राउंड में जो आवाज़ आ रही है, प्लीज़ आप इसे माइंड मत करिएगा। फ्रांस अर्जेंटीना का फाइनल फुटबॉल मैच चल रहा है, तो ये गोल होने पे मेरे बेटे की आवाज़ है। तो कुछ इस तरह से बिल्कुल फाइन सा एक पेस्ट तैयार कर लेना हमें। और 1 कप पेस्ट मैंने एक बॉल में अलग ले लिया। और उसी में 1/2 कप ये सूजी है, वही नॉर्मल सूजी है जो मैं हलवा में हम लोग हलवा बनाते हैं जिससे, और 1/2 कप मैदा। तो मैदे की जगह आप गेहूं का आटा भी ले लें। और ये पिसी हुई शक्कर है 1/2 कप ही, पर मैंने उसी में 1/2 कप और लिया है, टोटल ये 3/4 कप है। तो आप गाजर को टेस्ट कर लें, अगर वो ज़्यादा मीठा है तो शक्कर अपने हिसाब से आप डाल लें। और अभी इसका अच्छे से इसको पेस्ट फेंट लेते हैं हम। कुछ इस तरह से तैयार हुआ है हमारा ये घोल। सूजी जो है अभी फूलेगी, तो इसलिए अभी थोड़ी देर रख के इसको रेस्ट पे रखते हैं 10 मिनट के लिए, फिर देखते हैं इसमें कितनी पानी की और ज़रूरत है। ये सूजी काफ़ी फूल चुकी है, 10 से 15 मिनट मैंने रखा था, और जिससे मैंने गाजर का पल्प लिया था उसी में मैंने पानी ले लिया है 1/2 कप के करीब, और उसी से धीरे धीरे ये इसमें डालते हुए इसको लम्प फ्री करते हैं घोल को। तो ये 1/2 कप पूरा पानी लग गया है, तो आप इसकी जगह दूध भी डाल सकते हैं। इसको बहुत अच्छे से घोल लेते हैं इस बार। इस तरह से काफ़ी अच्छे से ये हम देखिए, यही थिकनेस चाहिए हमें। इस तरह से अगर गिराएं तो टुकड़े टुकड़े में ये गिरता है, तो बस यही कंसिस्टेंसी चाहिए हमें अपने घोल की, अपने बैटर की। तो तैयार है ये। तो ये हमारे पास कुछ टूटी फ्रूटी थी वो डाल दिए, आप यहाँ पे अपने पसंद के नट्स भी डाल सकते हैं, और थोड़ी सी ये पिसी हुई इलायची है। तो ये डाल के इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। और अभी इसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल देते हैं, उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ओवर मिक्स ना करें, बस इसमें मिक्स हो जाए अच्छे से तो फिर रहने दें। मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया है इसलिए आपको लग रहा होगा बहुत तेज़ मैं फेंट रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी तरफ सरसों का तेल ना हो, बाकी जो भी आप ऑयल यूज़ करते हैं उसी ऑयल में अपने पसंद के साइज़ से आप इसे फ्राई कर लें। मैंने बड़ा वाला टेबल स्पून लिया है और उसी से मैंने पोर किया है इसमें। देखा जाए तो कुछ पुए की तरह से ये हमारी रेसिपी तैयार हो रही है, तो आप गाजर के पुए कह सकते हैं इन्हें, पर बिल्कुल ही नई रेसिपी है ये, तो ट्राई ज़रूर करिएगा। इसमें गाजर का फ्लेवर टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, अंदर से बिल्कुल ऑरेंज ऑरेंज कलर के होते हैं ये, इसमें टूटी फ्रूटी भी बहुत अच्छा टेस्ट इसका लगता है। तो आप अपने पसंद के नट्स भी साथ में डाल सकते हैं। इस तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक इसे तल लें। तो भाई, इस तरह की नई नई रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, तो इन रेसिपीज़ के लिए, मेरे एफर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक और शेयर भी करिएगा।
और अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कर लें और लाइक अभी ही कर दें, वरना वीडियो देखने के बाद आप लोग भूल जाते हैं लाइक करना। इस तरह से मैंने सेकंड बैच भी इसमें डाल के और उसे तल लिया। इस तरह से हमारी गाजर की नई मिठाई बिल्कुल तैयार हो गई, तो इसे बनाइएगा ज़रूर। तो फिर इस नई और इनोवेटिव रेसिपी के लिए चैनल को फिर से मैं कह रही हूँ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, और देखते रहें ग्लोबल देसी रसोई विद शालिनी। इस तरह की और बहुत सारी रेसिपीज़ मेरे चैनल पे हैं, आप उसे ज़रूर चेक करें, और आगे भी इस तरह की रेसिपीज़ मैं शेयर करती रहूँगी आपसे। तो देखते रहें हमारे चैनल ग्लोबल देसी रसोई विद शालिनी को। तो आपसे फिर मिलते हैं जल्दी ही। बाय।